अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल पे एच मैटर स्पोर्ट्स में। तो आज हम फर्स्ट की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 9 है, एक्सरसाइज नंबर 9.1 का जो सवाल नंबर 2 है वो हम समझेंगे, और उसकी थ्योरी थी हमने फर्स्ट लेक्चर में सीखी थी, समझे थे। कन्वर्ट द फॉलोइंग रेडियल इनटू एसडीएस सेक्टाजेसिमल सिस्टम। इस सिस्टम में एंगल डिग्री में भी होता है, मिनट में भी होता है और सेकंड्स में भी होता है, डेसिमल फॉर्म में नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये है। तो हमारे पास इसमें एक एंगल दिया हुआ है पाई ओवर 8 रेडियन, ये एंगल रेडियन फॉर्म में है, इसको हमने डीएमएस में चेंज करना है। तो एक कीमत आपने याद रखनी है, 1 रेडियन बराबर होता है बच्चों 180 डिग्री और पाई के बराबर। हमने जो भी एंगल में देगा उस एंगल को हम इस कीमत के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पाई ओवर 8 मल्टीप्लाई 180 डिग्री ओवर पाई, पाई कट गया पाई से बच्चों। अगला काम सारा बता कैलकुलेटर के ऊपर, आपने 180 को 8 पे करना है तकसीम, तो आपको जो आंस मिलेगा वो मिलेगा 22.5 डिग्री। तो मैंने बात की ये यहाँ एंगल डिग्री में होगा, अगर डिग्री में है तो उसमें डेसिमल नजर नहीं आना चाहिए। अब इसमें डेसिमल आ चुका है, आप इसको हल कैसे करना है, डेसिमल वाला हिस्सा अलग करें डेसिमल से पहले, और डेसिमल समेत जो अगला हिस्सा है उसको अलग कर देना है। इसमें डेसिमल नहीं है, ये एज इट, इसमें डेसिमल है डिग्री से हमने जब मिनट में जाना है, जब डिग्री से मिनट में जाएंगे तो हम उस नंबर को 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर हम साइन लगा देंगे मिनट वाला। अब हम 0.5 को 60 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो आज के बच्चों मिल गया 30 मिनट्स। इसमें डेसिमल नहीं है, तो हमने दोनों वैल्यूज को लिखना है बच्चों कंबाइन करके, 22 मिनट और 30 सेकंड, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अगर इससे ऑनवर्ड चले तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है पाई ओवर 6, तो इसको मैं डायरेक्ट 180 ओवर पाई से करता हूँ मल्टीप्लाई, पाई पाई से कट गया 6 3 80, 30 डिग्री। अगर आगे हम थर्ड क्वेश्चन देखें बच्चों, वो लिखा हुआ है पाई ओवर 4 मल्टीप्लाई 1 डिग्री 80 ओवर पाई, पाई पाई से कट गया, दोनों को हम आपस में करेंगे डिवाइड, तो 180 को हमने कैलकुलेटर की हेल्प से 4 से डिवाइड कर देना है, तो आंस में आ गया 45 डिग्री। तो आगे हमारा फोर्थ वाला पार्ट है, फोर्थ में है पाई ओवर 3 मल्टीप्लाई 180 डिग्री ओवर पाई, पाई पाई से कट गया 6 3 18, उसका कितना आंस बन गया 60। आगे हम देखें तो इसका फिफ्थ पार्ट है, तो फिफ्थ पार्ट में दिया हुआ है पाई ओवर 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री ओवर पाई, पाई कट गया पाई से 2 9 80, तो इसका आंसर आ गया बच्चों 90। तो इसी तरीके से आपके जो क्वेश्चन नंबर है ना 9 10 तक, 10 वाला मैं हल कर देता हूँ, 9 पाई ओवर 5 मल्टीप्लाई 180 ओवर पाई, पाई कट गया पाई से 5 3 50 5 6 30, तो ये कटिंग हो गई है। अब आपने 9 को मल्टीप्लाई कर देना है 36 के साथ, तो आंस में आ गया 324 डिग्री। तो इन सब में ना जस्ट फर्स्ट में डेसिमल आया है, बाकी 10 तक किसी में कोई भी डेसिमल नहीं आएगा। तो जो बाकी सवाल है अब हम उनकी तरफ चलते हैं, नंबर 11 सॉल्व करते हैं। जब हम तो 11 में भी उसने हमें जो एंगल दिया हुआ है उसको भी हमने डीएमएस में ही चेंज करना है, और अब हम चेक करते हैं कि उसने भी वैल्यू किस तरह की दी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, 11 पाई ओवर 27, इस कीमत को डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करते हैं 180 ओवर पाई के साथ, तो पाई कट गया पाई से। अब हमने क्या करना है, अब हमने 11 को मल्टीप्लाई कर देना बच्चों 180 के साथ, तो हमें आंस मिला 1980 ओवर 27 डिग्री में। अब इन दोनों नंबर्स को आपस में करेंगे डिवाइड, तो हमें बच्चों आंस मिल गया 73.333 डिग्री में। तो डेसिमल आ चुका है, अब इससे ऑनवर्ड चलेंगे हम, तो 73 अलग कर देंगे हम डिग्री के साथ, और जो डेसिमल के साथ नेक्स्ट नंबर है उसको हम अलग कर देंगे। अब इसको फर्दर हम डिग्री से मिनट में जाएंगे, तो 73 एज इट
थ्री 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 को जो हमने 60 से करना है मल्टीप्लाई, ऊपर हमने क्या लगा देना है मिनट। तो 0.333 को हम 6 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो 73 डिग्री प्लस 19.98 मिनट्स। इसमें फिर डेसिमल आ गया है, फिर डेसिमल आए तो फिर हमने इससे नेक्स्ट स्टेप की तरफ चले जाना है। 19 मिनट सेपरेट प्लस 0.98 मल्टीप्लाई 60। अब ये मिनट से कहाँ जा रहे हैं हम, सेकंड की तरफ। तो 0.98 को फिर हमने 60 से मल्टीप्लाई करना है, तो बच्चों हमें 73 डिग्री 19 मिनट और आगे आंसर आ रहे 58.8 सेकेंड्स। तो अब इससे अगला यूनिट नहीं है, हमने अब इसको राउंड ऑफ करना है। इसका जो राउंड ऑफ है, जो सिंपल राउंड ऑफ है, इसमें फर्क ये होता है कि अगर डीएमएस में राउंड ऑफ करना पड़ते हमें, तो पॉइंट के बाद अगर नंबर 3 हो या उससे बड़ा हो तो पिछले वाले में एक ऐड करना है। तो 73 डिग्री 19 मिनट्स और इसका बनेगा 59 सेकेंड्स। तो ये बच्चों हमारा क्या होगा आंसर। तो इसी तरीके से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में से मैं 15 वाला क्वेश्चन हल कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर है 15, 19π/32। इसको डायरेक्ट 180/π से मल्टीप्लाई कर दिया, आगे इसको पाई पाई से काटो तो देगा, पाई कट गया पाई से। अब हम 19 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 के साथ, तो आंसर में आया 3420। इस कीमत को हमने 32 पे डिवाइड करना है, तो हमें जवाब मिल गया 106.875 डिग्री। फिर वही मसला बन गया है, डेसिमल आ चुका है, तो डेसिमल वाला पहले वाला हिस्सा अलग और डेसिमल जो समेत अगला बचा हुआ है उसको अलग करके मैं साथ ही मैंने 60 से मल्टीप्लाई भी कर दिया है। तो 106 डिग्री एज इट प्लस, अब मैंने 0.875 को मल्टीप्लाई करना है 60 से, तो बच्चों मुझे आंसर मिला 52.5 मिनट। इसमें फिर डेसिमल आ चुका है, इससे फिर हमने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चल जाना, 52 मिनट प्लस 0.5 मल्टीप्लाई 60। अब ये बन चुका है सेकेंड्स में कन्वर्ट हो चुका है। तो 106 डिग्री 52 मिनट 0.5 को हमने मल्टीप्लाई करना 60 के साथ, हमें आंसर मिल जाएगा 30। और ये क्या बन गया, ये हमारा क्या होगा सोल्यूशन होगा। तो इस सेशन के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है, और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 3 और इससे जो ऑनवर्ड्स क्वेश्चंस हैं वो समझेंगे। तो मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी दबाएं, साथ के जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए आप तक बरकत पहुँच सके। रखे दो याद, अल्लाह हाफिज़।